जय हिंद दोस्तों। अभी टाइम बताओ जैसा कि अभी देख सकते हैं 2:47 और फोन में टाइम 2:46 अभी टाइम बज रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग लौट रहे हैं मीटिंग करके। एक मीटिंग था हमारा जो कल के आंदोलन को लेके क्या रुख रहेगी हमारी, किस तरह कार्य होगा, है ना। वो मीटिंग था कि कल जो हमारा स्टेप रहेगा वो कैसा रहेगा, जो हमारा मांगे है उसको किस तरह से रखेंगे और क्या क्या स्टेप लेना है। और जैसा कि अभी देख सकते हैं जो मुखर्जी नगर है, ठीक है, वहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि रहने का, खाने का, पीने का सारा सुविधा है। तो जो भी बच्चे, हम लोगों ने 200 बच्चे का उम्मीद किया था, लेकिन यहाँ पर देखे तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनके जज्बा को सलाम करना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह ये सोए हुए हैं, अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बच्चे हैं। हम जैसा कि बताएं 3 बजने वाला है और अभी हम मीटिंग करके और अभी सोएंगे, कल सुबह फिर हमें 7 बजे पहुंचना है। तो बस ऐसा ही हम लोग जूझ रहे हैं और जूझने का रीज़न यही है कि भर्ती जल्द से जल्द आए, एज रिलैक्सेशन हो, जहाँ भी भर्ती नहीं आई वहाँ एज भर्ती आए, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी इतना आसान नहीं है और सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि कब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं करोगे, कब तक। आज ये जो युवा है कितना है, 50-60 है, इसको बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, जब हद से बाहर हो जाती है लोगों का, तब रोड पर उतरना ही पड़ता है और वही चीज़ आपको करना पड़ेगा। और घर में आप बैठे हो, कब तक आपका खून नहीं खोल रहा है ना, तो वही चीज़ करना पड़ेगा। हमारी आँखें देखो सबकी, इसकी और हमारी, 2 दिन से हम सो नहीं पाए, इसीलिए नहीं सो पाए। और ऊपर से अभी 2 से 3 दिन लगातार ट्रेन पे रहे हैं और उसके बाद हमारा यहाँ सारा कुछ लेना देना, और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ अरेंजमेंट करना रहता है, और उसके बाद सभी चीज़ें मैनेज करने के बाद, जैसा कि अभी देख सकते हैं अभी सभी कोई है यहाँ पर, जितने भी खास करके हम 4-5 जो फिजिकल एकेडमी वाले थे वो अभी भी यहीं पर हैं और कल भी हमारा स्टेप है। बस यही कहना चाहेंगे आपसे कि हम आपके लिए लगे हुए हैं और आप भी हमारे साथ खड़े रहिए। और सोने की बात तो दूर की बात है, सुबह से तो अभी खाना नसीब नहीं हुआ, अभी जाकर थोड़ी देर पहले मुश्किल से खाना नसीब हुआ। सुबह से आंदोलन में इतने बिजी थे कि इधर भागो, इनके परमिशन लो, यहाँ बैठक दो, यहाँ धरना दो, बच्चे को कंट्रोल करो, क्योंकि आपको पता होगा 4 से 5 हज़ार जंतर मंतर में बच्चे जुटे हुए थे। और इसलिए कि देखो यार, ऐसी बात नहीं है, अंकित के भी घर पर जगह थी सोने के लिए, बहाने हमारे पास भी थे, हम भी कहीं सो सकते थे, किसी होटल में सो सकते थे, किसी हमारे यहाँ आपको पता होगा अंकल रहते हैं मेरे यहाँ, लोगों को पता होगा, तो मैं यहाँ भी सो सकता था। लेकिन भाई बच्चों को छोड़ के अगर हम किसी फ्लैट में सोए तो यार इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ बच्चे सोएंगे हम वहीं रहेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये अंकित है, जो वीरू सर भी है उधर, फोर्स वाले सर है उधर, तो इनके पास पैसा नहीं है होटल में लेने का, लोग सोए होंगे होटल में उससे अपना मतलब नहीं है, लेकिन हम बच्चों के साथ ही सोएंगे, मच्छर काटे चाहे नींद ना लगे, नींद की तो टाइम ही नहीं है, 3 बजने वाली है। तो अब सुबह सुबह फिर से 8 बजे से आंदोलन चालू होगा, और सुबह से भूखे थे, शाम को खाया, तो भाई बड़ा दुख होता है, कभी कभी बोलता है कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं आंदोलन के लिए, तो भाई दिन रात भाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि हम अपना प्रूफ दे रहे, वीडियो इसलिए बना रहे ना कि कुछ जो भाड़ लोग ये बकचोदी करेंगे ना कि आंदोलन सफल नहीं हुआ। भाई हम कोशिश इतनी कर रहे हैं ना, अपना 110% दे रहे हैं, रात में जाग के, भूखे पेट के रह के, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता भाई, जितना हम कर रहे हैं ना उतना पॉसिबल ही नहीं है किसी के करना, ठीक है। तो देख लीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।